बच्चों शक शासकों पर हम थे, ठीक है, और क्षत्रिय राजा में हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे शक शासक। तो हमने क्या बताया शक शासक कौन थे, हमने एक वर्ड यूज किया जी है, इनको हमने संस्कृत टेक्स्ट में क्या कहा है, म्लेच्छ कहा है। ध्यान रखिएगा म्लेच्छ वर्ड जो है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। म्लेच्छ शब्द का मतलब होता है म्लेच्छ। इन संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनमें भारत पर जिन लोगों ने हमला किया प्राचीन समय में विदेशियों ने, उनको म्लेच्छ कहा गया है। हमने आमतौर पर ग्रीक लोगों को भी म्लेच्छ कहा, मोस्टली शक लोगों को म्लेच्छ कहा, कुषाणों को म्लेच्छ कहा, जो भी भारत में हमला करता है वो म्लेच्छ कहते हैं। अभी भी संस्कृत लोग जो बोलते हैं, पंडित होते हैं, आमतौर पर म्लेच्छ कहते हैं बाहरी लोगों को। म्लेच्छ म्लेच्छ का मतलब जो अलग सी भाषा बोलते हैं, जो किसी भी तरह का इंडियन कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, जिनका कल्चर अलग है, जो मांस खाते हैं, जिनकी लैंग्वेज अलग है, वो म्लेच्छ कहा गया है। बहुत बुरा शब्द माना जाता है संस्कृत में, म्लेच्छ शब्द दूसरों के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो शक शासकों पे हम बात कर रहे थे, शक पे बात हो गई। अब पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बुक में आ रखा है, शक क्या थे, शक थे विदेशी। क्लियर कहूँ तो विदेशी थे, तीन वर्ड मैंने पहले बता रखा, ये थे विदेशी। ट्राइबल थे, नोमेडिक्स थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, भारत पर हमला किया, अलग अलग जगह पर कैपिटल या राजधानी इन्होंने बनाई थी। उसको हम इसलिए नहीं बता सकते हैं कि एनसीईआरटी में चैप्टर लंबा हो जाएगा, इसलिए वो डिटेल नहीं दी जा सकती। तो शक शासकों में सबसे महान शासक था, याद रखना, एग्जामिनेशन में एक नंबर का आ जाएगा, रुद्रादमन जो था शक रूलर्स में सबसे महान था, ग्रेटेस्ट रूलर था। और इसका एक काम बहुत फेमस है, चूंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जीवन भर याद रहेगा, जूनागढ़। तो जूनागढ़ है गुजरात में, काठियावाड़ में एक जगह है, इसी जूनागढ़ में इसने क्या किया, रुद्रादमन ने एक जो है संस्कृत लैंग्वेज में, किस में, संस्कृत में, यानी कि संस्कृत भाषा में एक इसने अभिलेख लिखवाया। किसने लिखवाया था, रुद्रादमन ने। शक शासक रुद्रादमन ने 200 ईस्वी में, लगभग मैं बात कर रहा हूँ 200 ईस्वी में, मौर्य वंश का लगभग पतन हो चुका है, ठीक है। तो शक शासक रुद्रादमन ने जूनागढ़ गुजरात में संस्कृत लैंग्वेज में एक अभिलेख लिखवाया था। और याद रखिएगा इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभिलेख है संस्कृत लैंग्वेज में, पूरे भारत के इतिहास में पहला संस्कृत का अभिलेख है। पहला संस्कृत में अभिलेख जारी करने वाला वो नाम है रुद्रादमन है, जिसने भारत में जारी करवाया। लेकिन वो कौन था, शक था, जिनको हमने म्लेच्छ कहा, जिनको विदेशी कहा, आउटसाइडर्स कहा, तो ये कौन थे, शक थे। तो ध्यान रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इंडिया के कल्चर में कुल मिला के क्या थे, शक लोग एब्जॉर्ब हो गए थे। आज भी इंडिया में जो है हूण कास्ट वाले लोग मिलते हैं, शक मिलते हैं, लेकिन इंडिया में शादी कार्ड मिक्सअप हो गए पूरी तरह से, ठीक है। तो शक शासक रुद्रादमन ने क्या जूनागढ़ में अभिलेख लिखवाया था, जहां पर उसने एक जो झील है, झील का मतलब क्या बोलते हैं, झील को, लेक है, उसको मेंटेनेंस करवाया। और उस झील का नाम भी याद रखना, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सुदर्शन झील, सुदर्शन सुदर्शन लेक। ये सुदर्शन लेक है, इसकी मेंटेनेंस करवाई थी शक रूलर, ये इसने क्या कहते हैं, इसका नाम है रुद्रादमन ने मेंटेनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है वन मास के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लॉन्ग मास के लिए। तो कुल मिला के भी अब्जोर्व हो गए इंडिया के कल्चर में। अब दूसरे जो रूलर्स हैं भारत के अंदर, उनकी बात कर लेते हैं। और वो रूलर्स कौन हैं, वो रूलर्स हैं बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, वो हैं सातवाहन। आपने सुना भी होगा सातवाहन। अब सातवाहन कौन है, सातवाहन शासकों ने भारत के दक्कन पठार और उसके अलावा आंध्र प्रदेश के हिस्से पर शासन किया। जब मौर्य डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी, और जब इसका एंड हो गया था, तो सातवाहन डायनेस्टी ने इस एरिया को ऑक्यूपाई किया, जो कभी मौर्य डायनेस्टी के क्या थे, जो उनके अंदर काम करते थे मतलब। तो सातवाहन शासक जो थे भारत में, मुख्य तौर पर जो है दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र वाला हिस्सा या दक्कन का पठार, इस क्षेत्र पर शासन करते थे। तो सातवाहन रूलर्स जो थे, सातवाहन शासक थे, इन्होंने भी अपने आप को क्या कहा, इन्होंने कहा अपने आप को ब्राह्मण, यानी कुल मिलाकर सातवाहन शासक क्या थे, ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी इन्होंने अपने आप को कैसा ब्राह्मण कहा, इन्होंने कहा जी हम अनूठे ब्राह्मण हैं, यानी कि यूनिक ब्राह्मण, क्या है, यूनिक ब्राह्मण है, अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहा। किसने, सातवाहन शासकों ने, याद रखना, एक नंबर के लिए बोल रहा हूँ। अनूठा ब्राह्मण कहने वाले राजा कौन थे, अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहने वाला राजा थे सातवाहन शासक। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा, हमें छोटा क्वेश्चन करना है, ठीक। दूसरा क्या काम किया इन्होंने, दूसरा इन्होंने कहा जी हमने जो है क्षत्रियों, क्षत्रियों के घमंड को
तोड़ दिया है, नष्ट किया है, दर्प लिखा हुआ तोड़ा है, तो मतलब डिस्ट्रॉयर, याद रखना एग्जाम में आ जाएगा, डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राउड ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रिय डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राउड ऑफ द क्षत्रियास, क्षत्रियों के घमंड को चूर करने वाले, क्षत्रियों के घमंड को चूर करने वाले कौन हैं, क्षत्रियों के घमंड को चूर करने वाले हैं आपके ये, और ये कौन है, सातवाहन, तो अपने आप को अनूठा ब्राह्मण भी कहा। तो कुल मिला के जो ये लोग हैं सातवाहन, ये भी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे, तो हो गया। अब अगला लास्ट पॉइंट आता है कि इन्होंने और क्या काम किया, इन्होंने कहा जी हमने वर्ण व्यवस्था को मेंटेन करवाया है, वर्ण व्यवस्था को स्टेबल किया है, वर्ण व्यवस्था को स्थायी करवाया, उसके रूल्स, रूल्स का मतलब होता है नियम, नियमों को बनाए रखने में हेल्प की है, और हमने जो वर्ण व्यवस्था में जो है वर्णों के बीच शादियां रोकी है। अब वर्णों के बीच शादी रोकने का मतलब क्या है, मान लीजिए ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ब्राह्मण ब्राह्मण से ही शादी कर सकता है अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र धर्मशास्त्र, क्षत्रिय क्षत्रिय से, वैश्य वैश्य से, शूद्र शूद्र से कर सकता है। ये भी ध्यान रखना ब्राह्मण को ये अलाउड था कि वो किसी से भी निम्न वर्ण में शादी कर सकता है, ब्राह्मण को अलाउड था, वो क्षत्रिय से करे चाहे वैश्य करे शूद्र करे, कई ऋषि थे जिन्होंने शादियाँ की थी, लेकिन इनमें से किसी शूद्र को तो अलाउड ही नहीं किया पर थ्री कास्ट में शादी कर ले। तो कुल मिला के सातवाहन रूलर्स ब्राह्मण थे, उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने वर्णों के बीच शादी होने से रोकी है, कुल मिला के इंटर वर्ण मैरिज को इन्होंने रोका है, ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच शादियाँ रोकी हैं, वैश्य शूद्र के बीच शादी रोकी है, या फिर क्षत्रिय शूद्र के बीच शादी रोकी है, ताकि वर्ण व्यवस्था बनी रहे। तो वर्ण व्यवस्था को मेंटेन करने का दावा भी इन्होंने किया, किसने किया, सातवाहन शासकों ने, कि वर्ण व्यवस्था के नियम बने रहे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात क्या है, मैं पिछले बता रहा हूँ कि अभी कुछ पता नहीं सीबीएसई में एग्जाम में कौन सा एक नंबर का आ जाए, सातवाहन शासकों ने जो शक शासक थे, कौन थे शक, ध्यान रखना शक कौन थे, शक रूलर्स रूल कर रहे थे इस पार्ट में, गुजरात वाले पार्ट में, ये हो गया गुजरात, और यहाँ कौन थे सातवाहन, यहाँ सातवाहन बैठे हुए हैं, यहाँ शक बैठे हुए हैं, और शक में भी यहाँ बैठा हुआ है रुद्रादमन, और यहाँ सातवाहन में कौन बैठा हुआ है, गौतमी पुत्र। तो गौतमी पुत्र कहता है कि हम जो अनूठे ब्राह्मण हैं, ठीक है, गौतमी पुत्र ने कहा हम अनूठे ब्राह्मण हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी, बुक में लिखा हुआ है देख लेना, रुद्रादमन यहाँ है, ये यहाँ है, ये बोलता है मैंने वर्ण व्यवस्था को छेड़ने नहीं दिया, इंटर वर्ण मैरिजेस को रोका है, लेकिन फिर भी इस अनूठे ब्राह्मण ने शक शासकों के साथ मैरिज रिलेशन बनाए, क्या बनाए, मैरिज रिलेशन, यानी कि वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध। अब वैवाहिक संबंध का मतलब क्या होता है, वैवाहिक मतलब कि सातवाहन शासक और शक शासकों के बीच में शादियां होती थी, ठीक है। अब बताओ ये ब्राह्मण है, धर्मसूत्रों धर्मशास्त्रों का पालन करवाने का दावा भी कर रहे हैं, और मिलेच्छ कहे जाने वाले शक शासकों के साथ शादी भी कर रहे हैं। एक और मैं आपको लास्ट बता देता हूँ, गुप्त रूलर्स, गुप्त शासकों का नाम आपने सुना होगा, हिस्ट्री में काफ़ी डिस्प्यूट है इनके बारे में, इनके बारे में कहते हैं कि ये वैश्य थे, या लिखना मत, कोई कहता है ये ब्राह्मण थे, ये हिस्टोरियंस में ना काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब काफ़ी डिस्प्यूट है, काफ़ी ओपिनियंस है, और कई लोग ये भी कहते हैं कि क्षत्रिय थे, मतलब थ्री, देर आर थ्री ओपिनियंस दैट विच ओरिजिन द गुप्त रूलर्स हैव, द क्षत्रिय, द वैश्य और ब्राह्मण। तो क्लियर कट ये है कि ये तो अभी तक ये माना जाता कुछ टाइम तक कि वैश्य थे, तो गुप्त रूलर्स वर आल्सो द वैश्य, इट इज द ओपिनियन ऑफ द हिस्टोरियंस, तो अब ये भी क्षत्रिय नहीं थे, इन्होंने भी ये भी राजा बने, ठीक है। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री में देखेंगे कि क्षत्रियों को धर्मसूत्रों धर्मशास्त्रों के हिसाब से ये अधिकार दिया गया कि ये आपको राजा बनने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन हम हिस्ट्री में आप देखेंगे तो गुप्त डायनेस्टी वैश्य निकल के आ रहे हैं, अगर वैसे ओपिनियन बहुत सारी है, मौर्य डायनेस्टी वाले तो आपको ऐसा लग रहा है क्षत्रिय थे ही नहीं, लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते थे, शक आउटसाइडर्स थे, ये तो क्लियर कट है, सातवाहन खुद को ब्राह्मण बता रहे हैं तो क्षत्रिय तो आए नहीं। और दो नाम मैंने आखिरी में लोग जो छूट गए हैं वो इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, शुंग और कर्ण, शुंग डायनेस्टी, शुंग एंड कर्ण, शुंग भी और कर्ण दो डायनेस्टीज हैं। मौर्य डायनेस्टी के बाद जब मौर्य डायनेस्टी का एंड हुआ तो शुंग डायनेस्टी में एक राजा था, उसका नाम था, राजा नहीं था, मिलिट्री कमांडर था, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्य किंग को मर्डर किया, उसको मारा, और उसने शुंग डायनेस्टी को फाउंड किया, तो पुष्यमित्र शुंग फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के बाद वहां पर रूल करने के लिए कौन सी डायनेस्टी आई, शुंग डायनेस्टी आई, पुष्यमित्र शुंग ने एस्टेब्लिश किया, और ये क्या था,
ये भी ब्राह्मण था। और जब लास्ट सुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर मरा, इसके बाद जब लास्ट जो पुष्य ये जो पुष्यमित्र सुंग की डायनेस्टी चल रही है जब इसका एंड हुआ तो कर्ण डायनेस्टी आई। और कर्ण डायनेस्टी वाले लोग भी कौन थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में रूल किया? ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे। अब जो है कुल मिला के क्लियर हो गया है कि हम लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या निकालते हैं, ध्यान से सुनना ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र ओनली द किंग्स ओनली द क्षत्रिय कुड बिकम द रूलर्स ओनली दे कुड बिकम द किंग्स बट एंड दे हैव टू मेंटेन द वर्ण सिस्टम बट इन फैक्ट द फ्रॉम द अदर कास्ट फ्रॉम द अदर वर्णस दे आल्सो बिकेम द रूलर्स। हम अभी तक हमने देखा कि मौर्य शासक क्षत्रिय नहीं थे राजा बने, शक क्षत्रिय नहीं थे राजा बने, सुंग क्षत्रिय नहीं थे राजा बने, कर्ण क्षत्रिय नहीं थे राजा बने, इसके अलावा सातवाहन क्षत्रिय नहीं थे वो भी राजा बने, गुप्त भी क्षत्रिय नहीं थे, याद रखना कई में डिस्प्यूट भी, गुप्त भी क्षत्रिय नहीं थे ये भी राजा बने। कंक्लूजन ये निकलता है कि वर्ण सिस्टम को आमतौर पर ऐसा लगता है बहुत धर्म सूत्र कहते हैं पालन होना चाहिए लेकिन शायद पालन नहीं होता, तो इनको लोअर कैटेगरी का कहा गया है। ब्राह्मण वो बौद्ध टेस्ट तो अलग कहता है, ये कौन है? ये म्लेच्छ है। क्या है? म्लेच्छ है। ये ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है और ये भी ब्राह्मण है और ये हैं वैसे। कुल मिला के भाई साहब हिस्ट्री में आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि यार क्षत्रिय तो रूल कर ही नहीं रहे, तो ये हिस्ट्री में डिस्प्यूट्स में ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, कुछ चीज़ें मैंने टॉपिक छोड़ दी हैं। इस तरह से वर्ण व्यवस्था से बाहर भी शादी होती थी, तो शक शासकों ने सातवाहन शासकों से शादी की थी, मोस्टली रुद्रा दमन और गौतमी पुत्र सातकर्णी इन लोगों ने तो आपस में शादियाँ करवाई थी सातवाहन रूलर्स ने। ये टॉपिक आपका पूरा हो जाता है, ध्यान रखना कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे किंतु अन्य वर्णों से भी क्या होता है, वर्णों से भी राजा बने थे। अकॉर्डिंग टू द शास्त्रार्थ ओनली क्षत्रिय कुड बिकेम द किंग्स हाउएवर सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनिएजेस प्रोबेबली हैड डिफरेंट ओरिजिन्स। तो बस क्वेश्चन आपका बन गया कि अक्षत्रिय राजा से आप क्या समझते हो, समझाइए। तो आपको अपने हिसाब से इसको करना है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।